इसके समस्या लेके आप लोग यहाँ पर अभी एसपी यहाँ ज्ञापन देने आए हैं, और कौन थे जिनका अपहरण हुआ है, क्या है पूरा मामला? कामता सिंह पटेल नाम है उनका, जिला जज में बाबू है, जिला जज में, और वो इलाहाबाद हाई कोर्ट गए थे अपनी तारीख में, वहाँ से लौटते टाइम उनका फतेहपुर रोड में कहीं अपहरण हो गया, उनका मोबाइल फोन और पैसे जो है एसटीएफ ने कहीं बरामद कर लिए, कोई लड़का पकड़े है और उससे पूछताछ जारी है। अब वो हमारे इधर बांदा के सुतरखाने के रहने वाले हैं और जिला जज एक कार्यरत है। अच्छा, अभी आप किन के यहाँ ज्ञापन देने आए हैं, क्या बात है? आपसे मुलाकात करने आए हैं कि उसमें जो है पुलिस जो है अभी कोई कार्रवाई नहीं कर रही, खुलासा नहीं हो रहा, और कोई खुलासा नहीं हो रहा। 2 तारीख की घटना है, आज 5 तारीख हो रही, और लड़का 2 दफे थाने भी गया, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो पुलिस की कार्यशैली क्या है इस पर अभी तक? पुलिस की अभी कार्यशैली हमारे संतोषजनक नहीं है, और हमारे आदमी को सुरक्षित हमारे घर पहुंचाएं। भाई क्या है पूरा मामला, किस समस्या को लेके आप लोग यहाँ पे आए हैं, और किनका अपहरण हुआ है, कौन है वो? हमारे जिला न्यायालय के क्रिमिनल रिकॉर्ड रूम के रिकॉर्ड कीपर कामता सिंह जी 2 तारीख को इलाहाबाद गए थे हाईकोर्ट अपने काम से, अपने केस के सिलसिले में, तो वहाँ से वो वापस लौट रहे थे रोडवेज बस से, तो वहाँ से फिर उनका फोन ऑफ हो गया और गायब हो गए 2 तारीख की रात। कैसे यहाँ जानकारी हुई कि वो उनका अपहरण हुआ है? घर वालों को जानकारी, क्योंकि उनका फोन वगैरह ऑफ हो गया और कोई सूचना नहीं। बाद में एसटीएफ टीम वालों ने उनका फोन और उनका पर्स वगैरह बरामद किया एक व्यक्ति द्वारा, उससे पूछताछ जारी है, लेकिन पूछताछ का कोई मतलब नहीं निकल रहा और ना ही उनका कुछ पता चला। यहाँ पुलिस को सूचना दी, पुलिस की कार्यशैली में पुलिस ने क्या किया अभी तक? तिंदवाड़ी थाने में उनके लड़के गए थे सूचना देने, वहाँ से पहले तो उनको भगा दिया गया 24 घंटे का हवाला देकर, और उसके बाद बड़ा विनय विनय करने पर भैया FIR लिखाई गई। FIR लिखाने के बाद भी अभी तक कोई भी पुलिस सुराग नहीं लगा। अभी किससे मिलने आए आप? अभी हम SP साहब के आए, ताकि उनपे थोड़ा सा प्रेशर बना के भाई जल्द से जल्द की जा सके। और इसके पूर्व में भी एक मामला मैं यहाँ पे याद दिला दूँ कि 3-4 माह पूर्व हमारे ही विभाग के जिला जज साहब के ऑफिस में जो सिविल क्लर्क हैं, देवीदीन बाबू जी के बेटे का संकट मोचन, 31 अक्टूबर को देवीदीन बाबू जी के बेटे की अपहरण हुआ था, जिसकी लाश जबलपुर रेलवे ट्रैक पे मिली थी। उस घटना में भी अभी तक कुछ नहीं पता चल रहा, क्यों मारा गया, कैसे मारा गया, वो संकट मोचन से 16 साल का बच्चा जबलपुर कैसे पहुंच गया, ये पुलिस का कोई ये रवैया बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है।